अगर जेन्युइनली अगर इनकम के बारे में बात करें तो पूरे दिन का इनकम क्या होगा? कल तो मैंने 400 कप से ऊपर चाय बेचा था। पर कप का रेट क्या होता है? 15 to 20। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं इरफान खान स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप बंदर के सामने केले और पैसे फेंकेंगे तो बंदर अफकोर्स जो है वो केले ही उठाएगा, पैसे नहीं उठाएगा, क्योंकि दोस्तों उसको मालूम ही नहीं है कि पैसे से बहुत ज्यादा केले खरीदे जा सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देखना, एक 10,000 की गड्डी फेंकना और एक दर्जन केले फेंकना, तो बंदर जो है वो केले उठाएगा, पैसे नहीं उठाएगा। तो सेम दैट दोस्तों, उसी प्रकार से अगर आप किसी भी इंसान को नौकरी या फिर बिजनेस ऑफर करेंगे तो वो इंसान नौकरी करना चाहेगा, बिजनेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों उसको पता ही नहीं है कि बिजनेस में नौकरी से ज्यादा पैसा है। यानी कि इंसान अगर बिजनेस करे तो नौकरी से ज्यादा पैसा कमा सकता है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ है, पटना की जो एक लड़की है रहने वाली, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है अर्थशास्त्र से, उसने गर्ल्स कॉलेज के सामने ही एक टी का स्टॉल यानी कि चाय की एक दुकान खोली है, छोटा सा खोखा खोला है, जहां पर वो लड़की बिजनेस कर रही है। वो बिजनेस करने के लिए भी किसी व्यक्ति से इंस्पायर हुई थी। उससे पहले एक व्यक्ति था जो चाय का बिजनेस करके बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी इंसान को फेमस होने में वक्त नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला था बिजनेस की। तो जो लड़की है छोटा सा चाय का स्टॉल लगाती है और वो जो है पर डे का अगर मैं बात करूं 400 से 500 के एवर में जो है वो चाय का कप जो है चाय बेचती है और उसकी जो कीमत है वो 15 से 20 रुपए है। अगर जेन्युइनली अगर इनकम के बारे में बात करें तो पूरे दिन का इनकम क्या होगा? कल तो मैंने 400 कप से ऊपर चाय बेचा था। पर कप का रेट क्या होता है? 15 to 20। अगर दोस्तों 20 रुपए की एक कप चाय है, अगर उसने मान लीजिए 400 कप बेच दी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसकी पर डे की इनकम क्या है। यानी कि पर डे की इनकम की अगर बात करूं तो 8,000, 8,500, 9,000 के समथिंग वो पर डे की इनकम कर रही है। अगर मैं महीने की बात करूं तो 2.5 लाख, 2 लाख के समथिंग, यानी कि 2 लाख, 2.5 लाख के समथिंग वो इनकम कर रही है। अब मुझे दोस्तों एक बात बताइए, अगर वो 2.5 लाख भी नहीं कर रही है, अगर 1 लाख पर मंथ की इनकम भी कर रही है, अपने सारे खर्चे काट के, किराया और दोस्त का जो खर्चा है उसको काट के अगर 1 लाख पर मंथ की इनकम कर भी रही है, तो कितने ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जो 1 लाख पर मंथ की इनकम कर रहे हैं नौकरी करके? तो दोस्तों आप समझिए, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे लोग जो है वो चाय की दुकान खोल ले, चाय का खोखा खोल ले ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके या एमबीए करके, वो सारे के सारे लोग चाय की दुकान खोल ले। नहीं दोस्तों, बिजनेस कोई भी कीजिए, तो मैं सबसे ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे के सारे लोग अपने चाय की दुकान खोल ले, चाय का बिजनेस कर ले। नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तरह तरह के बिजनेस है, इंसान कोई भी बिजनेस कर सकता है। मान लीजिए अगर आप चाय की दुकान नहीं खोल सकते हैं तो एक रेस्टोरेंट खोल लें, फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल लें या जूस का मतलब जूस की दुकान खोल लें, होटल खोल लें, और बहुत सारे बिजनेस हैं। या मान लीजिए क्या कहते हैं, एक कोई भी अगर आप बिजनेस करेंगे किसी भी तरह का, तो 100% उसमें थोड़ा जमाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन बिजनेस में आदमी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ये 100% श्योर है। दोस्तों ना तो सारे के सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं और ना ही सारे के सारे लोग नौकरी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए ऐसा होता है ना कि यूं तो हर इंसान हर किसी से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, यूं तो लोग भगवान से भी खुश नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मान लीजिए कई साल पहले अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी ने एक बात बोली थी कि आप जो है वो अपना स्वयं का रोजगार कर लीजिए, पकौड़े तल लीजिए। तो जितने पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि यार हम एमबीए करने के बाद, बीटेक करने के बाद या इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद क्या हम पकौड़े तलेंगे? नहीं दोस्तों, उनका मकसद ये नहीं था कि आप पकौड़े तले। देखिए जब तक आपको नौकरी नहीं मिल रही है, सारे के सारे लोग नौकरी पे आश्रित मत रहिए। हमारे देश के एक मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद गुजरे हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा। आप समझिए बात को, उन्होंने बोला था कि जब तक शिक्षा का बुनियादी मकसद नौकरी पाना होगा तब तक हमारे देश के अंदर
नौकर ही पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं होंगे। तो दोस्तों, बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि आप अपना छोटा मालिक बन जाइए, छोटा स्वयं अपना स्वयं रोजगार कर लीजिए, छोटा सा बिजनेस कर लीजिए और खुद मालिक बन जाइए, वो बड़ा नौकर बनने से बेहतर है। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं नौकरी की बुराई कर रहा हूं, तो दोस्तों मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये 100% श्योर है कि नौकरी इंसान को कभी भी भूखा नहीं मरने देती है। और दोस्तों, ये भी सच है कि नौकरी इंसान के सपने भी पूरे नहीं होने देती है। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि नौकरी से ज्यादा इंसान बिजनेस में पैसा कमा सकता है। अभी आप चाय वाले को भी देख लीजिए, इसकी इनकम की अगर बात करूं 1.5 से 2 लाख रुपए है। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत सारे बिजनेस है। और दूसरी बात, अगर मैं आप बात करता हूं, किसी के पास अगर कोई भी साधन नहीं है बिजनेस करने का, मान लीजिए आपके पास में कुछ पैसा भी नहीं है बिजनेस में लगाने का, सोच रहे होंगे ना तो मेरे पास में पैसा है, ना मेरे पास में साधन है, ना मेरे पास में जगह है कि मैं कैसा बिजनेस करूं, तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता है कि अभी आप देख रहे होंगे हाल फिलहाल में अपने भारत के अंदर एक बिजनेस जो मॉडल है, एक बिजनेस मॉडल बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा, तरक्की कर रहा है, तो दोस्तों वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो 21वीं सदी का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ मेहनत करना होता है, थोड़ा टाइम देना होता है और बहुत नाम मात्र के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी आप एक बेहतर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देख के, कंपनी को समझ के, ठीक से समझ के, उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल पे आप काम कर सकते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहां पर एक आपको स्पॉन्सर की, एक अप्लायर की जरूरत पड़ेगी, एक बेहतर कंपनी की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करके भी आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करी, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि घुमा फिरा के सर्कुल मिला के आ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे ही गए। नहीं दोस्तों, मैं सबसे ये नहीं बोल रहा कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करिए। दोस्तों, हर इंसान अपनी चॉइस के अनुसार काम कर सकता है। जिसको नौकरी करनी है दोस्तों, वो नौकरी कीजिए, जिसको देश सेवा करनी है दोस्तों, वो देश सेवा कीजिए, जिसको दोस्तों बिजनेस करना है वो बिजनेस कीजिए, जिसको डायरेक्ट सेलिंग करनी है वो डायरेक्ट सेलिंग कीजिए, जिसको थाली रहना है, जिसको कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आराम से मौज मस्ती करे, मटर गस्ती करे, इंजॉय करे लाइफ का, क्योंकि लाइफ जो है वो जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। तो उसको हर इंसान की अपनी अपनी समझ है। तो दोस्तों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि नौकरी से ज्यादा इंसान पैसा बिजनेस में कमा सकता है। थोड़ा दिमाग लगे दोस्तों कि ना तो गवर्नमेंट सबको नौकरी दे सकती, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, जब तक नौकरी नहीं मिल रही तब तक पैसा कमाने के लिए अपना खुद का कोई ना कोई स्वयं रोजगार तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।